Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gaudavani Tatarine Nirvishesha Shunyavadi Pasvate Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Bhagavatamda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीता नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तुं समर्भ्यर्च दधीन्यमन्थम् तादीपदीप्तैर्मयिभिर्विरेजुः रज्जु विकर्षद्भुजकङ्करसजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डल त्रिसत्कपोलारुणकुङ्कुमाननः उद्गायतीनामरविन्दलोचनम् व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निराश्य तेजेन दिशानुमङ्गलम् भगवत्पूजिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकशः दृष्ट्वा रथं शातकौमं पश्यायामिति चाब्रवन् अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत्यस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनां उद्धोगाकृतः श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः पीताम्बरं पुष्करमालिनं रस मुख
मलिनिष्टकुण्डलम् शुचिस्मितः कोऽयमपि च दर्शनः कश्चिदवेशभूषणः इति स्म सर्वः परिभवृत्सुकः शैरावनतः सुसत्कृताम् सव्रीरहासे क्षणसूर्यकाभिः रहस्य पृच्छन्नुपविष्टमासने विद्याय सुन्दरे सहरमुदमापतेः जानीमस्त्वां जदुपतेः पार्श्वं सम्पागतम् भर्तेह प्रेषितः पित्रो भवान् प्रेषितस्यया कल कथा हो रही थी नंद बाबा और यशोदा के समक्ष उद्धव जी का प्रवचन उनका शोक दूर करने के लिए, लेकिन उद्धव जी के प्रवचन के बाद भी बीच बीच में नंद बाबा बोलने लगते थे, फिर ये बोलते थे, तो शोक दूर नहीं हुआ, शोक और बढ़ता गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं निशा सा ब्रुवतोर व्यतीता ब्रुवतो हो नंदस्य उद्धवस्य च ब्रुवतो हो, ये बोल रहे थे। जब नंद बाबा बोल लेते थे और बोलने की शक्ति नहीं रहती थी, तब उद्धव जी का प्रवचन चालू होता है। उद्धव जी कुछ कहते थे तो नंद बाबा कुछ नहीं समझते थे, फिर वे बोलने लगते थे। तो वे केवल कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि ऐसे खाता था, ऐसे बोलता था, ऐसे जैसा पहले वर्णन हुआ है उसी की आवृत्ति करते रहते थे। हाँ, उसको मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह दोनों के बोलते बोलते सा निशा व्यतीता, रात बीत गई बात नहीं बीती, रात बीत गई। और दोनों के विषय में एक ही बात, एगुड़े बतिया सारी रतिया। रात भर कृष्ण कथा हो रही थी, श्रोता कोई नहीं था। हाँ, उद्धव जी श्रोता बन जाते थे, नंद बाबा सुनते नहीं थे, वो तो कृष्ण के ध्यान में थे, मगन में थे, उनके रूप उनके गुण लीला के हैं स्मरण में। और जब ही ये बंद करते थे ही नंद बाबा बोलना चालू करते से आदर करते थे कि कुछ बोल रहा है, कृष्ण का सखा है, आया है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि रात ही बीत गई, दोनों की बात नहीं बीती। निशा माने बात। उद्धव जी जो बोल रहे थे उसमें बाद में लगे कहने कि उनका कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं है, न पराया है, न कोई अपना है, न कोई उत्तम है, न अधम है, और न कोई असम है। तो सभी सम है, असम। इसमें 14 बार न का प्रयोग किया गया है उद्धव जी के प्रवचन में। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय,
नात्मियो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वालोके संसन मिश्र जोनिषु। इस तरह से न न करें, नहीं 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 नहीं, कृष्ण का जन्म नहीं है तो प्रश्न होगा तब जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है। और भगवान स्वयं ही उद्धव जी से बोले कि हमारे माता पिता को जा करके सुख दीजिए। तो माता पिता भगवान के नहीं हैं तो ये कैसे बोले कि हमारे माता पिता। उद्धव जी कहते हैं न माता न पिता तस्य। वास्तव में उद्धव जी चाहते थे नंद जसोदा का शोक दूर करना, इसलिए भगवान के इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यदि भगवान के जन्म कर्म आदि की दिव्यता बताई जाए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन निषेध करने में वास्तव में प्राकृतत्व का निषेध किया जा रहा है। भगवान का जन्म है लेकिन लौकिक जन्म नहीं है। जैसे यहाँ बच्चे गर्भ में पलते हैं और पिता का धातु क्षरण होता है और माँ के गर्भ में बच्चा बनता है, उसका शरीर बनता है, इस तरह से इसको जन्म कहते हैं। और कर्म बस जन्म होता है, पहले का कर्म होता है उसके अनुसार किसको सियार में जन्म मिलेगा, किसी को मनुष्य में जन्म मिलेगा, किसी को गाय में, किसी को भैंस में, किसी को वृक्ष में, किसी को केवल चींटी में, कीट पतंग में, सब अपने अपने कर्म से बाध्य हैं। लेकिन भगवान जो जन्म लेते हैं किसी कर्म द्वारा बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। और कोई भी जीव अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होता है, अपनी इच्छा से प्रकट होना होता है तो सबसे धनी परिवार में जन्म लेता है और मनुष्य का ही शरीर पाता है, लेकिन जीव परवश है। इसीलिए निषेध किया जाता है भगवान का जन्म नहीं है। जन्म कहने पर लोग ऐसा ही जन्म समझेंगे और पिता कहने पर ये ना समझ लोग समझेंगे कि हाँ पिता के बीज से कृष्ण का देह बना है, जन्म हुआ है। इसके निगेशन के लिए उद्धव जी करें, नहीं उनका उनकी कोई माँ नहीं है, उनका कोई पिता नहीं है, न उनकी कोई पत्नी है, न कोई पुत्र है। इसी बात को फिर पॉजिटिव में बोलेंगे आगे, तो इतना संकेत करना जरूरी था। सदसल मिश्र रजोगुणी तमोगुणी और सात्विक योनियों में भगवान प्रकट होते हैं, पर भगवान का प्राकट्य, भगवान का जन्म या भगवान की माँ, भगवान का भाई, भगवान के पिता, ये सब भगवान के समान ही दिव्य हैं, प्राकृत नहीं है, मैट्रियल नहीं है। तो मैट्रियल भावना का निरसन करने के लिए ये बातें कही गई हैं। आगे वे कहते हैं युवयो रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि ही सर्वेशाम आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर। इसका अन्वय कई तरह से होता है। पहला यह है कि युवयो एव, आप दोनों के ही अयम आत्मज न, आप दोनों के केवल ये पुत्र नहीं है कृष्ण, बल्कि सर्वेशम आत्मज, ये सबके पुत्र हैं। सर्वेशम, सर्वेशम से तात्पर्य ऐसे इमीडिएट होगा कि रोहिणी जी के, देवकी जी के, वसुदेव जी के भी वे पुत्र हैं। सर्वेशम, सर्वेशम का ये अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी के भी पुत्र हैं कृष्ण। सर्वेशम का अर्थ है कि जो उनको पुत्र भाव से भजते हैं उन सब के पुत्र हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। सर्वेशम जुए रेव नैवायम आत्मजो भगवान हरि,
सबके पुत्र हैं तो इसका मतलब कि जितने जीव हैं उतने माता पिता हुए भगवान के, उनसे जन्मे हुए। किसी भी व्यक्ति को ये अवसर है कि वो भगवान कृष्ण को अपना पुत्र बना सकता है, किसी को भी। यह रिजर्व कोटा नहीं है केवल देवकी वसुदेव जी के लिए, कोई भी व्यक्ति इस भाव से, वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करके और उनको अपना पुत्र पा सकता है। जैसे महाराज दशरथ पाए, या कश्यप जी, माता कौशल्या और माता अदिति, और कई माता देवहूति भगवान को अपने पुत्र रूप में पाई, और नाभि महाराज भगवान ऋषभदेव को अपने पुत्र रूप में पाए। इस तरह से देखा जाता है। और जयंती उनकी पत्नी का नाम था, नाभि महाराज का। तो इसीलिए नौ जोगेश्वरों को जयंते ये कहा गया है, जयंती के पुत्र नव कुमार, नव जोगेश्वर। तो इस प्रकार भगवान किसी के भी पुत्र हो सकते हैं, हैं ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखाश्च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान सब कुछ हैं जीव के लिए, केवल इस तथ्य को, इस सत्य को पहचानने की जरूरत है। भगवान की कथाएं जब सुनने को मिलती हैं तब इस प्रकार का भाव उदित होता है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि युवयो रेव नई वायम आत्मजो भगवान हरि। इसका एक अर्थ हुआ कि भगवान हरि ही श्री कृष्ण है, युवयो रेव आत्मज न सर्वेशा। एक अर्थ यह भी होगा, वे आपके पुत्र हैं और अवश्य आपके प्रेम से, स्नेह से आकृष्ट होकर के आएंगे, और शीघ्र आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नंद बाबा ने बीच में कह दिया कि वसुदेव जी भी अपना पुत्र मानते हैं और ये भी उनको पिता जैसा मानता है, तो उनका स्नेह छोड़ करके कैसे आएगा। तब कहते हैं नहीं नहीं, आपका ही पुत्र हैं दोनों, ये हरि श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं, सबके नहीं हैं। इसे नहीं कोई मान ले बस हो जाए। समझाने की एक कला है, परम दक्ष है ना, भगवान के मंत्री हैं, मित्र हैं, बोलने में बहुत पटु हैं। पर सारी बुद्धि लगा दिए कि नंद बाबा का शोक दूर हो जाए, पर नहीं, शोक दूर नहीं, बढ़ता गया। सबके पुत्र हैं और सबके आत्मा हैं, परम प्रिय हैं श्री कृष्ण, और पिता हैं, माता हैं, स ईश्वर, और ये परम ईश्वर है भगवान है। परम ईश्वर हैं, सबके माता हैं, सबके पिता हैं, और सबके बेटा भी हैं। सर्वेशम सब जगह लगेगा, सर्वेशम आत्मा, सर्वेशम पिता, सर्वेशम माता, और सर्वेशम ईश्वर। ब्रह्मा शिव आदि के भी नियामक हैं, सभी उनके आत्मा, सब सबके पिता हैं, सबके माता हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है कि भगवान सबकी माँ हैं, सबके पिता हैं। पिता का अर्थ है पालन करने वाला, पालन करते हैं सबका, और माता के समान स्नेह करते हैं, इसलिए उनको माता कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को या शिव जी को और सभी जीवों को अपने पेट से प्रसव किया है। पिता पालन करता है तो इस तरह से पिता की तरह सबका पालन करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महर्जोनिरहं बीजप्रदो पिता।
भगवान कहते हैं जितने भी जोनियां हैं शरीर हैं और उसमें जितने जीव हैं सबकी माँ है प्रकृति और मैं पिता हूँ। प्रकृति भी कृष्ण ही है इसलिए भगवान ही माता हुए, कृष्ण ही माता है। पर हूबहू ऐसे माता नहीं है कि अब उधर में ढोवें सभी जीवों को, काम करना कठिन हो जाए। केवल संकल्प मात्र से सबको पैदा करते हैं, स्नेह करते हैं और पिता की तरह पालन करते हैं। इसके साथ परम ईश्वर है, परम कंट्रोलर है। इस तरह से नंद बाबा को समझा रहे थे उद्धव जी, और बाबा आने जाने की बात करना ही बेकार है। वे कहाँ नहीं हैं कि आएंगे, वो तो यहीं हैं और आप साफ देख रहे हैं उनको, पर आपका भ्रम है, आप पहचान नहीं पा रहे। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थास्णु चरिष्णु महदल्पकम च बिना च्युताद वस्तु तराम नवाच्यम सएव सर्वम परमार्थ भूत। जो भी वस्तुएं व्यक्ति देखता है उसको दृष्ट कहते हैं, और जो सुनता है दृष्टम श्रुतम, और यहाँ तक कि भूत जो बीत गई हैं वस्तुएं जो हैं इस समय और आगे होंगी, चाहे वो स्थावर हो या चरिष्णु हो, अचर हो, चर हो, महद हो, बड़ी वस्तु हो या अल्पकम च छोटी वस्तु हो, अच्युत के बिना, श्री कृष्ण के बिना और कुछ भी नहीं है। अच्युत ही इन सब वस्तुओं के रूप में है। तो अच्युत उद्धव जी कह रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि किसी भी काल में, किसी भी देश में और किसी भी वस्तु के रूप में वे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि श्री कृष्ण से संबंध टूट जाए इन वस्तुओं का। वही प्रकट, देखी हुई जो वस्तु है और सुनी हुई वस्तु, बीती हुई वस्तु, भविष्य में होने वाली और इस समय वर्तमान, अचर वस्तु और चर वस्तु, बड़ी वस्तु या छोटी, अच्युताद बिना कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तव में सारा जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है। उस दृष्टि से सब में भगवान है और परमात्मा के रूप में सब में विद्यमान है। तराम नवाच्यम, किसी वस्तु को कृष्ण के बिना वस्तु कहा ही नहीं जा सकता है। तराम नितराम, किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। किस वस्तु को कहा जाए कि वो कृष्ण से अलग है, कृष्ण की किसी न किसी शक्ति का प्रकाशन है, कृष्ण के बिना इसकी सत्ता रह ही नहीं सकती। जैसे सूर्य है तो सूर्य ही किरण के रूप में है, सूर्य के बिना किरण की सत्ता नहीं है। यदि कोई ये व्यक्ति सोचे कि सूर्य डूब रहा हो तो ऐसा किया जाए कि सूर्य की किरणों को यहीं पर काट करके रख लिया जाए। सारी दुनिया में लोग कोई उपाय करें, कैंची से, छेनी से, जैसे तैसे काटे, आरी से किरणों को काट करके रख लिया जाए, जरूरत है प्रकाश की जरूरत। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा संबंध है कि सूर्य जाएगा और किरणें चली जाएंगी, आप दूर नहीं कर सकते किरणों को कभी। तो भगवान का संबंध सभी वस्तुओं से और तीनों काल में है, छोटी बड़ी या देवता दानव मनुष्य सब सब भगवान के ही अंश हैं। जैसे किरण है सूर्य का, ऐसे किरण स्थानीय जीव है भगवान सूर्य का। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण की उपमा सूर्य से दी भी जाती है।
जैसे किरणों का संबंध सूर्य से अभिन्न है, कभी उसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे देखी हुई सुनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, होंगी, हैं या हो चुकी हैं, सबका संबंध कृष्ण से है। सैव सर्वम परमार्थभूत, किसी वस्तु वाच्य का कहा, अवाच्य का अर्थ यह है कि कृष्ण के बिना किसी वस्तु को वस्तु नहीं कहा जा सकता, अनिर्वाच्य है, वाणी से निरूपण नहीं हो सकता। सैव सर्वम परमार्थ भूत, परम अर्थ, परम सत्ता वही है, श्री कृष्ण ही है। अतः आपके हृदय में भी कृष्ण हैं और बाहर भी जितनी वस्तुएं हैं उनके रूप में कृष्ण हैं, आपके मन में कृष्ण हैं, आपकी आँखों में कृष्ण हैं, आपके कान में कृष्ण है, सब जगह कृष्ण है। कृष्ण के लिए आप इतना क्यों विकल होते हैं, यह तो आप ज्ञान है ना बाबा। इस तरह से सोचना कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कोई कुछ है ही नहीं, इस तरह से उद्धव जी बोल रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता, दोनों के बोलते बोलते वो रात बीत गई। सा निशा व्यतीता न तु तेसम प्रवचनम व्यतीत, उनके उनकी बोली बंद नहीं, वो बोलते रहे। श्री कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण है, नंद बाबा तो मस्त थे ही, मस्त नहीं कहना, बिहवल थे, बोल रहे थे कृष्ण के गुण। खड़ी रात बीत गई, कृष्ण में परम रस है, तो उनकी बात करने में दोनों की रात बीत गई। एवं ब्रुवत, एवं निशा सा ब्रुवतोर बेते, सा निशा वह सा का अर्थ है कि वह लंबी रात भी, लंबी रात थी। या सा निशा, सा का अर्थ है दोनों के संलाप संबंधिनी निशा, जिस रात में उद्धव जी और नंद बाबा संलाप कर रहे थे, संलाप उद्धव जी भी संलाप ही कर रहे थे, उनका उद्देश्य था नंद बाबा का शोक दूर करना, चाहे उसके लिए कुछ अटपटांग बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, वो बोल रहे थे, तो संलाप ही कहा जाएगा उसका। और नंद बाबा तो संलाप कर ही रहे थे श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बोलना, नंद बाबा को समझाने के लिए कहा जाए कि बाबा अरे वो ईश्वर हैं, उनका कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, तो संलाप ही हुआ ना, एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रलाप हुआ, कुछ बेकार वार्ता है। लेकिन उद्धव जी नंद बाबा को समझाने आए थे, पर नंद बाबा समझे नहीं, बिल्कुल नहीं समझे, ये जो भी बोलते थे संस्कृत तो नंद बाबा समझते ही नहीं थे, वो तो कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे थे। मेरा बेटा ऐसे खाता था, ऐसे रुठता था, मैं बहुत गलती किया, केवल गाय चरवाता था, उससे क्या करें, वो मानता ही नहीं था, जंगल में चला जाता था, इस तरह से बोलते रहते थे। उस दिन जा करके काली दह में कूद गया, तो भगवान की बहुत बड़ी दया थी कि उस सांप से बच गया, तो अब पूरा काली दह की ये हो रहा, ये होता था, ऐसे होता था, कृष्ण को ग्रस्त कर लिया था, कृष्ण निश्चेष्ट था। उद्धव जी क्या समझा रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, गिरिराज जी को उठा लिया भगवान की दया से, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, गर्गाचार्य जी के आशीर्वाद से गिरिराज उठा लिया,
इतनी वर्षा हुई उद्धव जी, इतनी वर्षा हुई, लेकिन हम सब लोग बिल्कुल आनंद से गिरिराज जी के नीचे थे और अब बीच बीच में भी बोलते थे। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये नारायण के समान गुणों में है, तो इसका अर्थ समझ में बिल्कुल नहीं आता। नारायण भगवान इस तरह से चोरी करेंगे माखन की, कोई समझ में नहीं बात आती है। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, ये कहा कि पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, तो ये भी नहीं बताया कि कितना जन्म पहले। बड़ा मैं फेर में रहता हूँ। एनी हाउ कृष्ण का वर्णन आ रहा था, शोक बढ़ता जा रहा था, उद्धव जी भी अवसर पाकर फिर बोलते थे भगवान के सखा है, भगवान के समान समझाने में प्रवीण है, लेकिन ऐसा महाविद्वान भी युक्ति से किसी भी तरह से नंद बाबा को सांत्वना नहीं दे पाया। इसी पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों बोल रहे थे, बीच बीच में उद्धव जी बोल रहे थे, फिर नंद बाबा प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। यदि अब आएगा तो गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगा। हमको अनुमान है कि जसोदा ने जो उखल में बांध दिया, यही याद करके वो यहाँ आना नहीं चाहता है। बीच बीच में ऐसी बात बोला करते थे। रात बीत गई, जब लगभग 4 बज गया, भोर हो गया, तब श्री गोपी जन उठी। गोप्य समुत्थाय, गोपियाँ उठी, उत्थाय सम्यक उत्थाय, तो निरंतर कृष्ण का स्मरण हो रहा था, प्रियतम श्याम सुंदर का स्मरण था, उन्हीं का स्मरण करती रहती थी, सपने में भी उन्हीं को देखती थी। तभी वो उठी, समुत्थाय का अर्थ है सम्यक उठ करके, उठ करके उन्होंने आचमन किया, मुख धोया अच्छा से, और निरूप्य दीपान, दीपक जलाया, दीपक जला करके देहली आदि की पूजा किया। सब स्थान में कोई ना कोई देवता रहते हैं, घर में भीतर बाहर आदि, तो वास्तुन समभ्यर्च्य, वास्तु की पूजा किया, देहली आदि की, श्रीधर स्वामी जी लेकिन देहली आदि की पूजा की। और इसके बाद दधीनी अमंथन, दही मथने लगे। दही मथना गोपियों के लिए तो जाति कर्म था, गोप लोग गाय चराते थे, पालते थे, पोसते थे, और दूध घर में आ जाता है तो इसके बाद उसको गर्म करना, उसमें जोरन देना, दही जमाना और दही को मथना, ये काम गोपियों का होता है। तो अपने जाति के अनुसार जो काम था वे कर रही थी, अथवा श्री कृष्ण के आवेश में थी कि हम नया नवनीत निकालेंगे, माखन निकालेंगे, तो श्याम सुंदर इसको बहुत पसंद करते हैं। उनको उस महाविरह में भी ये ध्यान, यही स्मरण होते थे कि श्याम सुंदर कभी भी आकर के दही मांगेंगे, माखन मांगेंगे, यही याद करके, अथवा उनको भेजने के लिए। प्रतिदिन ऐसा होता था कि आज मथुरा में माखन भेजना है, ये करना है, वो करना है, यही आवेश रहता था हमेशा। इसके लिए दही मथ रही थी, और दही मथना उनके लिए परम आनंद की बात थी, क्योंकि वही अवसर था जब श्री कृष्ण का खुलम खुला गान करती थी, गीत गा